हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवानीज किचन। आज हम सैंडलवुड सोप बनाएंगे। ये सोप हमारे स्किन कॉम्प्लेक्शन को लाइटन और ब्राइटन बनाती है, साथ ही हमारे स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज़ और टॉक्सिन्स रिमूव कर हमारे स्किन को डीप क्लेंस करती है। ये हमारे एक्ने और पिंपल्स को क्योर करती है और साथ ही हमारे डार्क स्पॉट, सन टैन और पिगमेंटेशन को रिड्यूस करने में भी बहुत हेल्प करती है। प्लस इसके रेगुलर यूज़ से हमारी स्किन बहुत ही सॉफ्ट, सपल और ग्लोइंग हो जाती है। तो आइए इस अमेजिंग सोप को बनाना शुरू करते हैं। सैंडलवुड सोप बनाने के लिए सबसे पहले हम एक क्लीन बोल में ये एक चम्मच सैंडलवुड यानी कि चंदन का पाउडर लेंगे। नेक्स्ट अब हम इसमें ये एक चम्मच एलोवेरा जेल ऐड करेंगे, एक चम्मच बादाम का तेल ऐड करेंगे और अब हम इसमें 7-8 ड्रॉप्स रोजमेरी एसेंशियल ऑयल के ऐड करेंगे और लास्ट में इसमें एक विटामिन ऑयल का कैप्सूल ऐड कर देंगे। तो यहाँ मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं, तो अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स करके इसका एकदम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ आप देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा सैंडलवुड पाउडर का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। नेक्स्ट मैंने 60 ग्राम के करीब ग्लिसरीन सोप बेस ले ली है। ये आपको ऑनलाइन बहुत ही ईजिली मिल जाएगी और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अब हम इसे छोटे छोटे पीसेस में इस तरह कट कर लेंगे ताकि हमारी सोप बेस इजीली मेल्ट हो जाए, या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेट भी कर सकते हैं, उससे भी ये सोप बहुत इजीली मेल्ट हो जाती है। तो यहाँ आप देखिए मैंने सोप बेस को इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। नेक्स्ट सोप को सेट करने के लिए मैंने एक सिलिकॉन का सोप मोल्ड लिया है। ये भी आपको ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाएगा और इसे परचेज करने का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो यहाँ मैंने एक भिगोने में पहले से ही पानी ले लिया है। तो अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे और पानी में उबाल आने देंगे। तो जैसे ही पानी में उबाल आएगा हम इसमें इस तरह एक पैन रखेंगे और इसमें कट करा हुआ सोप बेस डालेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम हाई कर देंगे और इसे चम्मच से इस तरह लगातार चलाते हुए मेल्ट करेंगे। तो यह सोप को मेल्ट करने के लिए मैं डबल बॉयलर मेथड का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे 30 सेकेंड्स माइक्रोवेव में रखकर भी मेल्ट कर सकते हैं, पर ध्यान रखें कि हमें इसे डायरेक्ट गैस पर मेल्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप बेस भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसमें सैंडलवुड पाउडर का मिक्सचर ऐड करेंगे और इसे भी सोप बेस में अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यह मिक्सचर डालने के बाद ध्यान रखें कि हमें इसे बहुत देर तक नहीं चलाना है, हमें इसे जस्ट मिक्स करना है। तो यहाँ आप देखिए मैंने दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमारा सोप का मिक्सचर बनकर एकदम तैयार है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम ऑफ कर देंगे और मिक्सचर को तुरंत ही सोप मोल्ड में ट्रांसफर करेंगे। इस स्टेप को थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि सोप बहुत जल्दी सेट होने लगती है। मिक्सचर को सोप मोल्ड में ट्रांसफर करने के बाद अब हम इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि हमारी सोप अच्छे से सेट हो जाए। तो ये लगभग 1 घंटा हो चुका है। मैंने सोप मोल्ड को फ्रिज में से बाहर निकाल लिया है और आप देखिए हमारी सोप भी अच्छे से सेट हो गई है। तो अब हम इसे इस तरह डीमोल्ड करेंगे। तो यहाँ आप देखिए हमारी सोप कितनी इजीली बाहर आ गई है और कितनी स्मूथ बनी है। ये सोप हमारी स्किन को लाइटन और ब्राइटन बनाती है। ये हमारी स्किन को डीप क्लेंस कर हमारे ओपन पोर्स की समस्या को दूर करती है। ये हमारी स्किन पर से सारी डर्ट, इम्प्योरिटीज और एक्सेस ऑयल रिमूव कर हमारे एक्ने और पिंपल्स की समस्या को दूर करती है। प्लस इसके रेगुलर यूज से हमारी स्किन एकदम सॉफ्ट, सपल और ग्लोइंग हो जाती है। पर मेक श्योर कि अगर आप इस सोप के 100% इफेक्टिव रिजल्ट्स पाना चाहते हैं तो आप इसे डेली बेसिस पर ज़रूर यूज़ करें और इसके एप्लीकेशन के बाद आप अपने फेस पर कोई भी क्रीम लगा लें। पर अगर आपको लगता है कि आपकी स्किन पर बहुत ही ज़्यादा एक्ने और पिंपल्स हैं तो यह मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप ये न्यूड ब्रांड की कैरेट सीड एक्ने कंट्रोल क्रीम यूज़ करें। ये क्रीम हमारी स्किन के पीएच लेवल को बैलेंस करती है, ये हमारे स्किन पोर्स को अनक्लॉक करती है। तो क्योंकि ये क्रीम कैरेट सीड से बनी है इसलिए इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि हमारी स्किन पर से किसी भी तरीके के बैक्टीरियल, फंगल और सीबम प्रोडक्शन को रेगुलेट कर हमारे एक्ने और पिंपल्स की प्रॉब्लम को दूर करती है। और इस क्रीम की सबसे खास बात यह है कि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल्स एडेड नहीं है और इसे विमेन ही नहीं मैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी इस क्रीम को एक बार ज़रूर यूज़ कीजिएगा, आई एम श्योर ये आपको बहुत पसंद आएगी और इसे परचेज करने का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप भी सोप को एक बार ज़रूर बनाइएगा और इसका रेगुलर यूज़ कीजिएगा क्योंकि तभी आपको पता लगेगा कि ये कितनी इफेक्टिव है। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।